इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से, जहां पर घर से गायब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में दो दिन बाद खेत में पाया गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सीओ ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जी हां, आपको बताते चले, कोतवाली भिनगा के ग्राम पंचायत रामपुर देवगन के मजरा दत्त नगर निवासी अनिल कुमार उर्फ रेखी राम 30 वर्षीय पुत्र असरफी लाल बीते रविवार की शाम करीब 7 बजे अचानक घर से गायब हो गया था। परिजनों की ओर से अनिल कुमार उर्फ रेखी राम की बीते दिनों दो दिन से खोज की जा रही थी। इन दो दिनों में परिजनों ने आसपास के गांव समेत नात रिश्तेदारों के यहां युवक का पता लगाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार के दिन में करीब 2 बजे रेखी राम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गाँव के बाहर स्थित एक अरहर के खेत में बरामद हुआ। शव देखते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोग रो रो कर चिल्लाने लगे। लोगों की ओर से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इस पर चौकी प्रभारी अनिल कुमार दीक्षित टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को कब्जे में ले लिया। वहीं जानकारी मिलने पर सीओ हौसला प्रसाद व कोतवाली भिनगा के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश द्विवेदी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ ने लोगों से घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल के बाद पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी पुलिस को सुलझानी है। वहीं पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली वजह पता चल पाएगा। जी हाँ, हम ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिनगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर देवगन के मजरा दत्त नगर गांव से, जहां पर गांव के बगल अरहर के खेत में 30 वर्षीय युवक अनिल कुमार उर्फ रेखी राम का शव अरहर के खेत में मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैली हुई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे क्या है, पूरा मामला कुछ बता पाओगे? साहब, हमारी तबीयत खराब रहा। जिस दिन ये गायब भवा है उस दिन हमका तबीयत खराब रहा, अपने घर में दवाई खाया, हम सोच रहे हैं, हमका नहीं पता चला। किस दिन गायब हुए हैं? ये इतवार के दिन 6 बजे है। और आज आप लोगों को कैसे सूचना मिला? हम मणपुर हेरे बहरिया ने ना बड़े भाई हमारे पठान की जब का हेल लेके आओ तो भतीजा हमारा कैसे न जीवे साहब। अच्छा, जैसे ये लाश मिली है इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, कैसे क्या है मामला? साहब, हम नहीं देखा है तो हम क्या कह सके थे, हम अपने नज़र से नहीं देखा कोई के यहाँ। ठीक, आपका क्या नाम है? असरफी लाल। ये जिसकी लाश मिली है अरहर के खेत में, ये आपके कौन है? हमारा पुत्र है। चाचा, कैसे क्या है मामला, कुछ बता पाओगे? हम इस समय तो कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये कब गायब हुए थे घर से? परसों। परसों मतलब किस दिन? यानी इतवार के दिन 17 तारीख। अच्छा, और शाम 6:30 और 7 के बीच में पेशाब करने निकले थे। अच्छा, और पेशाब करते हुए ये गायब हो गए। इसके बाद आप लोगों ने तलाश किया? हाँ, तलाश किया। जैसे यहाँ ये अग्गापुर है और ये घरवा बिंडोहवा शिवानगर और इधर बंटीवा मोहरनिया यहाँ चनकूरी दर्जीपुरवा यहाँ आज हम भेजन है लड़कन कहन तो यहाँ तुलसीपुर यानी चौधरी डी के तरफ और इधर ताल बगौड़ा ये सब सिरसिया विजयपुरवा सब छीन से घूम के आए गए हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ आपके लड़के की लाश मिली है गांव के बगल में। हाँ, इनकी उम्र कितनी रही होगी? 30। 30। अच्छा, मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन आपको दिया? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ, हम बस्ती की सबका तोड़ दी, हम क्या कहें, हम लोग क्या कहें हैं? बड़ा ही है,
हम लोग सुइया पर।